अपने वेतन का 75% हिस्सा शिक्षा और चिकित्सा के लिए दान कर देने वाले प्रख्यात शिक्षाविद सर गणेश दत्त। 18 साल की उम्र में एक संतान के पिता होने के बाद पढ़ाई शुरू करके वकालत और फिर बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल में 17 सालों का सफर तय करने वाले सर गणेश दत्त विकसित बिहार के लिए अपना आखिरी निवास विश्वविद्यालय को दान कर देने वाले बिहार के गौरव सर गणेश दत्त। सब कुछ त्याग कर सादगी का जीवन जीने वाले बिहार के छतियाना का भारत माँ का सपूत सर गणेश दत्त सिंह। इसी महापुरुष के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम में सर गणेश दत्त के जीवन पर एक अध्याय अवश्य होना चाहिए। आज बिहार जिस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है उसकी बुनियाद डालने वालों में सर गणेश दत्त का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सर गणेश दत्त जैसे व्यक्ति को तो आने वाले युग युग तक असंख्य पीढ़ियां याद करेंगी। अगर वे न होते तो आज हमारा बिहार शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ। 13 जनवरी 1868 हरनौत जिले के छतियाना गांव में जन्मे सर गणेश दत्त सिंह। महज 2.5 वर्ष की आयु में उनसे पिता डेग नारायण सिंह का साया छिन गया। माता मैना कुंवर ने पालन पोषण किया और 12 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। इकलौते संतान होने की वजह से पढ़ाई लिखाई पर किसी ने जोर नहीं दिया, लेकिन शादी के बाद जब वो ससुराल अपनी पत्नी को वापस लाने गए तब उनके ससुर ने उनसे एक टेलीग्राम पढ़ने को कहा। वे नहीं पढ़ पाए, जिसके बाद ससुराल वालों ने सर गणेश दत्त का बहुत मजाक उड़ाया। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारी ननद के कैसे रखिएगा। तो मिनिस्टर साहब के वो घड़ी बहुत शर्म आया, इतना शर्म आया कि कुछ कहने लगे। जब वो आईं, जब विदाई होकर के आईं, तो वो अपन अय्या जी से, माँ से कही अय्या जी से कि अय्या जी से अब हम पढ़ब। तो वैसे बहुत सूखा रूखा खा के और अपना पढ़ाई शुरू किए और टिकी जो था से छत में बांध देते थे ताकि उनकी नींद पढ़ाई में रुकावट न डाले। 18 साल की उम्र में उन्होंने पटना कॉलेजिएट की 7वीं कक्षा में डायरेक्ट एडमिशन लिया। इसके बाद छात्रवृत्ति और रजत पदक के साथ इंटरमीडिएट किया। पटना कॉलेज से बीए, फिर लॉ की डिग्री ली और जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करने लगे। 6 साल बाद उन्होंने कलकत्ता का रुख किया, वहां जाकर हाईकोर्ट में वकालत करने लगे। 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना के बाद वे वापस चले आए। 1921 में सर गणेश दत्त बिहार और उड़ीसा के संयुक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। इस पद पर काबिज होने के बाद उन्होंने जन सरोकार के कई मुद्दे उठाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि अनेक ऐसे सार्वजनिक हित के मामले थे जिसमें सरकार को उन्होंने रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। श्री बाबू उनके पॉलिटिकल राइवल थे, लेकिन एज ए पर्सन उनकी बहुत इज्जत करते। महज 2 साल बाद वे मिनिस्टर पद पर काबिज हो गए। चुनाव में जीते, दरभंगा महाराज हार गए थे। इस दौरान मिलने वाले वेतन का 75% हिस्सा वो दान कर दिया करते थे। जब उनके बेटे ने इन पैसों को निजी काम में इस्तेमाल करना चाहा, तो सर गणेश दत्त ने उन्हें भी सबक सिखाया। उनकी जो पोती की शादी थी उसी समय उनके जो लड़के थे हरगोविंद बाबू, उन्होंने जो है सो उनसे कुछ पैसा मांगा, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर पैसा देंगे तो हैंड नोट लिखो, और हैंड नोट लिखा करके जो है सो उन्होंने पैसा उनको दिया। शादी होने के कई साल बीत जाने के बाद उनको लगा कि पिताजी दिए हैं तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है लौटाने का, तो वो पैसा नहीं लौटाए। उस पर उन्होंने नोटिस करके और फिर पैसा वापस लिया। अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक धन से उन्होंने कई संस्था स्थापित करवाया। जिस घर में उन्होंने अंतिम सांस ली उसे भी दान कर दिया। कृष्णा कुंज है और वही उनका आवासीय परिसर हुआ करता था, और उन्होंने वह परिसर विश्वविद्यालय को दान दे दिया, जिसमें कि आज मनोविज्ञान विभाग का भी एक संस्थान वहाँ है, और दो दो जो महिला छात्रावास हमारे हैं, सर गणेश दत्त महिला छात्रावास और एक गंगा है, वो भी उसी परिसर का हिस्सा है जिसको अलग किया गया है। पटना विश्वविद्यालय का मुख्यालय और मुख्यालय के आसपास का वो पूरी जमीन उन्हीं लोगों के हिस्से में थी, और उन लोगों ने स्वेच्छा से खुले दिल से यह योगदान किया था, यह त्याग किया था। सर गणेश दत्त ने अपने व्यक्तिगत धन से छतियाना में मैना कुमारी संस्कृत पाठशाला, पटना में पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय जैसे संस्थान स्थापित करवाए। वहीं सार्वजनिक धन से रेडियम इंस्टीट्यूट,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा मेडिकल स्कूल, आयुर्वेदिक स्कूल पटना, तिब्बी स्कूल पटना, इटकी आरोग्यशाला, डेयरी फार्म पटना जैसे कई संस्था स्थापित करवाएं। पटना विश्वविद्यालय में उनके वेतन के हिस्से से मिलने वाली छात्रवृत्ति और ऋण से कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उच्च शिक्षा ग्रहण किया। डॉक्टर दुखन नाम को फॉरेन जाने वगैरह में उसे प्रबंध था कि लोन लीजिए, लोन लेकर के वहाँ से आप आइए, कमाइए, कमाने के बाद जब आप संपन्न हो जाइए तो इसको लौटा दीजिए। डॉक्टर सीपी ठाकुर, डॉक्टर दुखन राम, इन लोग भी जो है सो उस फंड से जो है सो पढ़े हैं। इस महान विभूति ने 26 सितंबर 1943 को अपनी आखिरी सांस ली। अब उनका पैतृक घर खंडहर में तब्दील हो चुका है और फिर उनका जन्म यहीं हुआ, इसी गाँव में, इसी बगल वाले जो कोठरी है, कहा जाता है कि इसी कोठरी में जन्म हुआ था इनका। वहाँ मौजूद तुलसी चौरा की एक अद्भुत कहानी है। इन्हीं के घर के एक बच्ची थी, डेथ की थी, देव रूप ले लिए, खुलियाम बात भी करती थी, तो इनका डिमांड था कि लड़का का शादी होगा तो हमको भी कपड़ा चढ़ाइएगा और वही कपड़ा नया बहू को पहनने दीजिएगा। तो गोनामा के लोग भी चढ़ाते हैं, हम लोग भी चढ़ाते हैं, आज तक ये चला आ रहा है। जो नहीं चढ़ाए उनको हम देखे हैं कि लावारिस हो गए हैं। शिक्षा और चिकित्सा के लिए समर्पित इस महान विभूति को हम नमन करते हैं। बिहार के तमाम तकनीकी और उच्च शिक्षा का जो श्रेय जाता है उसमें कहीं ना कहीं हमारे स्वर्गीय सर गणेश दत्त सिंह जी का कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा योगदान है।